अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की स्टूडियो में मैं आपको इलाइट मौक़ों के बंडल के बारे में और इलाइट जो मौक़ों है वो आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में बताऊंगा। और कुछ दिन पहले गाइस मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की थी जिसमें गाइस मैंने आपसे पूछा था कि इलाइट मौक़ों के बारे में कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पर गाइस 5 बंदों के कमेंट आ गए थे, तो इसीलिए गाइस अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उनके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इलाइट मौको लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले तो आपको जो है ना इलाइट मौको के अलावा गाइस दूसरी जो मौको होती है वो आपको लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से खेल कर आपको मिशन कम्प्लीट करने हैं। अगर उससे नहीं खेलोगे तो आपके मिशन जो है कम्प्लीट नहीं होंगे। और मेरे अकाउंट में तो गाइस पहले से मिशन कम्प्लीट हो गए, तो इसीलिए मैंने अपने भाई का अकाउंट ले लिया। और यहाँ पर गाइस मैंने एक स्पिन भी वैसे ही कर लिया था, एक लोग जो है खोल दिया, इसके पास 15 टोकन पड़े हुए थे। और यहाँ पर गाइज आपको कुछ मिशन दिख रहे हैं, यहाँ पर गाइज आपको टोकन भी दिख रहे हैं इलाइट मौकों के जो टोकन हैं, जिनसे गाइज आप इनकी जो पिक्चर जो है अनलॉक कर सकते हो, लॉक जो इनके ऊपर से हटा सकते हो। तो ये जो टोकन है और इसके साथ गाइज आपको ये फ्रेगमेंट भी मिल रहे हैं, इनके इलाइट मौकों के जो है फ्रेगमेंट भी मिल रहे हैं या मौकों के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ से गाइज इससे आप लेवल बढ़ा सकते हो, और यहाँ से गाइज आप इसको जो ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज ओपन करने के लिए आपको ये टोकन जो चाहिए ये आपको खेल कर मिलेंगे, मतलब मिशन करने से मिलेंगे। यहाँ पर गाइज आपको कुछ बुजिया करना है तो आपको जो है आल मैच में किसी भी मैच में बुजिया करने उससे मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइज आपको नीचे जो है 500 डैमेज देने उससे आपको मिल जाएंगे, और उससे नीचे गाइज आपको 3 किल करने तो इससे भी आपको मिल जाएंगे। यही मिशन है इसके। तो अभी गाइज हम एक मैच स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने एक CS मैच स्टार्ट कर दिया है और ये स्टार्ट हो रहा है अभी। और अभी गाइज मैंने जो है वीडियो को भी थोड़ा सा फास्ट कर लिया है ताकि आपका जो है थोड़ा टाइम ना ज़ाया हो। और यहाँ पर गाइज गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही गाइज गेम स्टार्ट हुआ और गाइज डायरेक्ट हम जो है ख़त्म कर देते हैं इस गेम को। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो हमारा जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारा भुया नहीं हुआ। भुया नहीं हुआ तो भुया वाला मिशन तो मुश्किल है कम्प्लीट हुआ हो। और यहाँ पर गेम ख़त्म कर दिया मैंने जल्दी जल्दी से, बीच का ऐसा जो है काट दिया है। और गाइज अभी हम डायरेक्ट इवेंट में चलते हैं तो इलाइट मौको को देखते हैं। और यहाँ पर गाइज हमारा 5000 डैमेज वाला कंप्लीट हो चुका है और भुया वाला मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भुया वाला नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि भुया तो हमारा हुआ ही नहीं, इसीलिए भुया वाला मिशन कम्प्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर गाइज मेरे पास 13 टोकन वैसे ही पड़े हुए हैं इलाइट मौको के, तो इसे जो है हम गाइस यूज़ कर लेते हैं। पहले जितने भी है गाइस इसे जितनी भी फ़ोटो हैं इनकी इलाइट मौको के इसको सारे को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइस नीचे आप लाइन देखो, नीचे लाइन बढ़ती जा रही है, लाइन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फ़ोटो खुलती जा रही है लाइन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही गाइस आपको पूरी की पूरी लाइन जो है कम्प्लीट कर देनी है। और लास्ट में जो बॉक्स मिलेगा गाइस इसमें आपको इलाइट मौको और इलाइट का मौको का जो बंडल है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर गाइस आप जो है 100 गोल्ड देकर ये चेंज भी कर सकते हो, अगर आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो एक दिन में आप चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद गाइस आपके जो है दूसरे आ जाएंगे उनको फिर आप कंप्लीट करो, ऐसे करके अगर ज़्यादा खेलते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो एक दिन के बाद आपके खुद ब खुद जो है चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर गाइस अगर दोबारा चेंज करना चाहते हो तो आपको जो है 4000 गोल्ड लगेगा। तो ऐसे ही गाइस कम्प्लीट कर आपको जो है इलाइट मौको का बंडल जो है ले लेने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।